अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको स्किल साइडर के अकाउंट की डिटेल बताऊंगी कि इसमें क्या क्या टैब्स होते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, और आप इसमें अकाउंट बनाने के बाद इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कहाँ से आप अपनी अर्निंग देख सकते हैं, विड्रॉ करा सकते हैं, बैंक की डिटेल ऐड कर सकते हैं, और कहाँ पे आपको अपने जो मेंबर्स ऐड करवाए हैं वो शो होंगे, और आप अपने लिंक्स जो हैं वो कहाँ से भेज सकते हैं अपने मेंबर्स को। सबसे पहले आपने करना ये है कि अकाउंट बनाने के बाद www.skillsider.pk ये वेबसाइट आएंगी, यहाँ पे जाना है और साइन अप करना है, लॉगिन अपनी आईडी और पासवर्ड लगाना है, तो आपका लॉगिन लग जाएगा, जैसे कि अभी मेरा अकाउंट इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ से आपने जो है वो अपना अकाउंट जो है वो लगाना है। ये देखें, जैसे ही मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया है, ये जो तीन बार्स आपको नज़र आ रही हैं इस पे क्लिक किया करें तो ये डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है। होम का ऑप्शन तो आपके सामने था, डैशबोर्ड के ऑप्शन से आपको आपके कोर्सेज जो हैं सारे नज़र आते हैं, जहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हो। ये पांच कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, यूट्यूब मास्टरी कोर्स, कैनवा मास्टरी, केप कट के बारे में, और स्किल साइडर एफिलिएट मार्केटिंग जो है उसके बारे में सारा कुछ आपको बताया जाता है, और एक वेबसाइट है एक्स्ट्रा, इसके बारे में आपको बताया जाता है कि इन सब के थ्रू आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, इनको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, और फिर आप इनके थ्रू भी कैसे अर्निंग कर सकते हो। ये आपके पांच कोर्स आपको डैशबोर्ड के वेबसाइट टैब से शो हो जाते हैं जब आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आगे आपके ये सारी वीडियोस इस कोर्स से रिलेटेड जो हैं वो ओपन हो जाएंगी, और आप बारी बारी ये सारी वीडियोस प्ले करके तो इस कोर्स को कर सकते हैं। उसके बाद माई कोर्सेज से भी आपका जो है वो यही चीज़ें जो है आपकी सारी कोर्सेज जो है निकल जाएंगे। माई एफिलिएट्स जो है, यहाँ से आपको लिंक मिलेगा, आपने किसी भी मेंबर को ऐड करवाना है तो आपने कैसे उसको लिंक भेजना है, यहाँ से आपने कॉपी स्किल साइडर पेमेंट लिंक, आपने ये लिंक जो है वो इस पे क्लिक करना है और आपने उसको लिंक भेजना है जिसके थ्रू वो पेमेंट करा सकेगा। और जो आप ऊपर है कॉपी और एफिलिएट लिंक, ये आपके रेफरल के लिए है, जब आप जिस मेंबर को ऐड करा रहे हैं वो आपको लिंक भेज दे तो आपने क्या करना है कि आपने उसको अकाउंट ओपन करने के लिए जो रेफरेंस लिंक भेजना है वो आपने यहाँ से भेजना है, कॉपी योर एफिलिएट लिंक, ये आपका यहाँ पे रेफरल भी आ रहा होता है। तो ये दोनों लिंक माई एफिलिएट्स में अवेलेबल होते हैं, और उसके अलावा आप जो मेंबर एड्स कराते हो अपने अकाउंट में उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आ रही होती है कि आपने कितने मेंबर ऐड कराए हैं। उसके बाद लीडर बोर्ड है, लीडर बोर्ड में जितने भी टॉप अर्निंग लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि अभी तक जो है वो कौन से लोग हैं जो हाई अर्निंग स्किल साइडर की वेबसाइट से कर रहे हैं, वो लीडर्स हैं तो उनकी यहाँ पे अर्निंग आ रही होती है टॉप 7 डेज़ में, जिसने ज़्यादा, जैसे जिशान जाफरी हैं, इनकी 7 डेज़ में 1 लाख अर्निंग हुई है, इरम मुस्तफ़ा 86,000 हुई है, तो यहाँ से आप अपने टॉप जो 7 डेज़ के लोग हैं उनकी अर्निंग देख सकते हैं। बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल के ऑप्शन में आप जाके आपने अपनी बैंक डिटेल जो है वो ऐड करनी है, ताकि जब आपने विड्रॉ कराना है तो आपको आ सके। जैसे यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट नंबर और अकाउंट डाला हुआ है, इसी तरह आपने अपना अकाउंट ऐड करना होता है। इजी पैसा का आपका अकाउंट है तो आप इजी पैसा का यहाँ पर अकाउंट नेम और इजी पैसा जिस नंबर पर है वो नंबर आप डाल दें। मेरा अकाउंट है तो मैंने अकाउंट नंबर और अकाउंट नेम डाल लिया। इसी तरह विड्रॉल्स हैं, विड्रॉल्स में जब आप क्लिक करोगे तो आप अमाउंट को विड्रॉ करा सकते हो, जितनी भी अमाउंट आपने विड्रॉ करानी है। ये देखें, विड्रॉल्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आज जैसे मैंने 960 रुपीज़ अमाउंट विड्रॉ करवाने की रिक्वेस्ट की हुई है तो ये यहाँ पर आप विड्रॉ करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको जैसे मेरा तो मैंने 962 रुपीज़ आज की अर्निंग थी और आज के ही मैंने उसको विड्रॉ की रिक्वेस्ट भेज दी, तो यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। आपको यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन शो होता है, जिस पे क्लिक करके आप विड्रॉ जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग वीडियोस हैं डिफरेंट टाइप की, कम्युनिटी लिंक्स हैं स्किल साइडर से के, जो यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से आपको लिंक्स मिल जाते हैं।
और यहाँ से आपकी प्रोफाइल जो है वो सेट हो जाती है। ये भी आपने अकाउंट बनाने के बाद अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर सेट कर लेनी है। आईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी सिटी, प्रोफाइल इमेज, आप जो भी रखना चाहें, यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो एडिट करनी है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें स्किलसाइडर के अकाउंट के बारे में है कि आपने इसको कैसे चेक करना है, कैसे अपनी डिटेल्स डालनी है। होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।